जैन दोस्तों, मेरा नाम अली सैफी है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ डेल इंस्पिरॉन और डेल वॉस्ट्रो में क्या अंतर होता है, क्या आपको कौन सा लेना चाहिए और आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि i3 के जो दो मॉडल आते हैं डेल इंस्पिरॉन और वॉस्ट्रो में क्या क्या अंतर है और क्यों आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो तो सेम कन्फिग्रेशन में आपको दो मॉडल देखने को मिलते हैं, i3 के अंदर या i5 या i7 के अंदर इंस्पिरॉन और वॉस्ट्रो। तो मैं आज आपको दो मेरे पास में मॉडल है, i3 में दोनों मॉडल हैं, सेम कन्फिग्रेशन में मॉडल है मेरे पास में। तो आज मैं बताने वाला हूँ इंस्पिरॉन और वॉस्ट्रो का क्या मतलब है और आपको कौन सा लेना चाहिए और इसका किस पर्पज़ से होते हैं। तो मेरे पास में ये जो मॉडल है डेल इंस्पिरॉन 3584 और ये दूसरा जो मेरे पास मॉडल है डेल वॉस्ट्रो 3581। सॉरी, ये जो मॉडल है मेरे पास में डेल इंस्पिरॉन 3584 और ये 3581, ये दो मॉडल है मेरे पास में और मैं आज आपको दोनों के कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूँ, दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं इनकी लुक की। तो सबसे पहले आप इसे देखोगे, ये जो इंस्पिरॉन सीरीज होती है ये होम सीरीज पर्पस से होती है। तो इसका जो आप लुक देखोगे, इसका सिल्वर कलर में आपको बैक पैनल मिलेगा, फ्रंट पैनल आपको पूरा बैक पैनल पूरा जो होगा वो आपको सिल्वर कलर में देखने को मिलेगा। इधर आप अगर वॉस्ट्रो की बात करोगे तो वॉस्ट्रो के अंदर आपको रफ एंड टफ बॉडी मिलेगी, स्क्रैच रेजिस्टेंस बॉडी मिलेगी और इन दोनों का जो बॉडी होता है वो फाइबर का होता है, इसे हार्ड फाइबर बोलते हैं। दोनों फाइबर का होता है, मेटल किसी में नहीं होता। इसके अंदर आपको मेटलिक फिनिश मिलेगा, लुक वाइज ये आपको बेटर लगेगा। और अगर आप अदर देखते हैं, ये आपको लुक में थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर आपको ब्लैक बॉडी मिलेगा और स्क्रैच रेजिस्टेंस बॉडी मिलेगा, इसके अंदर आपको स्क्रैच रेजिस्टेंस बॉडी नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो होम सीरीज है ये स्मॉल बिजनेस सीरीज होता है वॉस्ट्रो मॉडल। तो इसलिए आपको बिजनेस में क्या होता है, मोस्टली लोग इसे रफ एंड टफ तरीके से यूज करते हैं और इसलिए इसका जो बॉडी होता है वो रफ एंड टफ टाइप होता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलने वाला है सेम मिलेगा इन दोनों के अंदर में, बस आपको एक छोटी सी चीज़ आपको अलग मिलेगी। इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन है i3 सेवन्थ जनरेशन, 4GB रैम होगा इनके अंदर, DDR4 2666 MHz दोनों के अंदर सेम रैम है। दोनों के अंदर आपको एक एक स्लॉट फ्री मिलेगा जिसमें आप 16GB तक रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो और इसके अंदर स्टोरेज के रूप में आपको हार्ड ड्राइव मिलेगा 1TB, दोनों के अंदर हार्ड ड्राइव मिलेगा 1TB और दोनों के अंदर आपको M.2 स्लॉट मिलेगा। तो इन फ्यूचर आप इन दोनों में आप SSD भी कस्टमाइज करा सकते हैं इन फ्यूचर। और इसमें जो SSD की स्टोरेज मैक्सिमम आप कर सकते हैं वो 256 तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको विंडो 10 और MS ऑफिस 2019 दोनों के अंदर आपको लाइफ टाइम लाइसेंस के साथ में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की स्क्रीन की। तो इन दोनों का स्क्रीन जो होता है, इसके अंदर जो स्क्रीन मिलेगा वो मिलेगा आपको FHD स्क्रीन मिलेगा 1080p और इसके अंदर आपको HD स्क्रीन देखने को मिलेगा वॉस्ट्रो मॉडल में। और दोनों का जो स्क्रीन होने देखने को मिलेगा वो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होगा दोनों के अंदर, जिससे कि आपकी आंखों पे स्ट्रेस ना है। क्योंकि डेल के अंदर 90% या बहुत सारे लैपटॉप के अंदर जो आते हैं वो आपको एंटी ग्लेयर ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर आपको फिजिकल डैमेज वारंटी मिल जाती है जो कि आपको इससे अलग कर देती है। इसके अंदर ओनली आपको हार्डवेयर वारंटी मिलेगी। वॉस्ट्रो सीरीज जितने भी होते हैं लैपटॉप वॉस्ट्रो सीरीज के अंदर, सब के अंदर आपको कंपनी फिजिकल डैमेज वारंटी देती है हार्डवेयर के साथ साथ। नॉर्मली इसके सारे लैपटॉप के अंदर आपको हार्डवेयर वारंटी मिलती है ऑन साइट और पार्ट रिप्लेसमेंट वारंटी होती है डेल के अंदर। इसके अंदर आपको फिजिकल डैमेज वारंटी भी मिल जाती है लेकिन वो वन टाइम होती है। सपोज़ दैट आपका स्क्रीन टूट के गिर के टूट गया तो उस टाइम पे आपको जो स्क्रीन रिप्लेस होगी ऑन साइट, आपके घर पर स्क्रीन चेंज होगा, सीधा नया स्क्रीन लगेगा, कुछ भी रिपेयर नहीं होता डेल के अंदर वारंटी के अंदर। और आपको वन टाइम मिलेगी इसकी फिजिकल डैमेज पूरी वन ईयर में वन टाइम, और ऑलमोस्ट आपको सेम टू सेम मिलेगा। अगर आप इन दोनों के बारे में आपको और बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, इसके इन दोनों के अंदर बस एक ही दो मेजर फ़र्क है। इसके अंदर आपको फिजिकल डैमेज वारंटी मिल जाएगी, इसके अंदर आपको फिजिकल डैमेज वारंटी नहीं मिलेगी। इधर आपको FHD डिस्प्ले मिलेगा, यहाँ पर आपको ओनली HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इसके अंदर आपको लुक बहुत अच्छा मिल जाएगा, लुक वाइज ये बेटर है। और दूसरे इधर जो है ये आपको लुक वाइज अच्छा नहीं मिलेगा, ये आपको स्क्रैच रेजिस्टेंस बॉडी मिलेगा देखने के लिए। और प्राइस ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगे, 1000 ये आपको सस्ता पड़ेगा, ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ये आपको सस्ता पड़ेगा।
तो ये आपको पड़ेगा, इसका जो प्राइस रहेगा वो करीब होगा 30-32 के लगभग ही आपको, 29 और 30 तक ही आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है, अगर आप रफ एंड टफ यूजर हैं, रफ एंड टफ यूज करना चाहते हैं और आप ज़्यादा केयर नहीं करते लैपटॉप की, तो आपके लिए रफ एंड टफ यूज के लिए बोस्ट्रो सीरीज आपको बेस्ट रहेगा, बोस्ट्रो आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आप नॉर्मल देख रहे हैं, लुक वाइज देख रहे हैं और आप अपना होम पर्पज़ से यूज कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का काम नहीं है, तो इंस्पिरॉन आप देख सकते हैं। बाकी का ऑलमोस्ट मैंने आपको कोशिश करी है सारी चीज़ें बताने के लिए। और को अगर आप मुझे ये किसी ने कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे लोगों ने किया था कमेंट बॉक्स में कि इसके बारे में आप बताओ क्या अंतर है इन दोनों में, तो मैंने कोशिश करी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू एवरीवन।